हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैन रसोई शो। मैं हूँ आपकी मैत्री। नहीं समझे, मैत्री का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती, तो हुई ना मैं आपकी दोस्त। तो चलिए चलते हमारी आज की कुछ दिलचस्प रेसिपियों की ओर। वैसे दोस्तों, आज है एक ट्विस्ट। नहीं, हम बनाएंगे खाना जैन ट्रेडिशन के हिसाब से, लेकिन आज हमारे किचन में है एक नहीं बल्कि दो मेहमान। एक मेहमान ने हमको रिक्वेस्ट की कि उनको खाना बनाना हमारे किचन में आके सीखना है। अब हम उन्हें मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों हमारा शो बना ही आपके लिए है। तो यही है हमारा आज का ट्विस्ट। एक है हमारी आज की शेफ ऋतु और दूसरी है हमारी आज की प्यारी व्यूअर शीतल। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी शेफ ऋतु हमें क्या बनाना सिखाती है। हाय शीतल। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंदू वड़े चाट बना रहे हैं। मेंदू वड़े चाट, रसम वड़ा सुना है, दही वड़ा सुना है, मेंदू वड़े चाट पहली बार सुनने में आया। हाँ, मेंदू वड़ा चाट साउंड्स इंटरेस्टिंग। हम लोग ज़्यादातर मेंदू वड़ा चटनी और सांभर के साथ खाते हैं। चाट का भी एक स्पेसिफिक होता है, सेव पूरी चाट, गंगा वड़ा चाट। तो ये हमने कुछ क्यूजन बनाया है मेंदू वड़ा को, उसको चाट जैसा गार्निश करके उसको क्यूजन किया है उसका। अच्छा, तो उसमें हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? ओके, उसमें हम लोग को मैश बनाना है, बॉइल करके उसको मैश करके रखा है। मटर है, उसको भी बॉइल करके मैश किया है। फ्रेंच बीन्स यानी फंसी, उसको भी बॉइल करके मैश किया है। कोरिएंडर और बाकी हमारी नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स तो हम लोग लेते हैं हरी मिर्ची, हींग, शुगर, लेमन, ये अपना नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स जो हम लेते हैं वो। ओके, तो हम बनाना शुरू करें? यस, श्योर। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक्चुअली एक ऑयल रख देते हैं, सो आई थिंक प्री हीट करने का है ना। हाँ, ओके, नाउ हम लोग मैश बना, या वो स्लो गैस पे रखना है कि नो? हम लोग जब तक हम लोग ये स्टफ करें तब तक ये ऑयल हो जाएगा। ये बॉइल करके रखा है बनाना को। ओके, अच्छा, नाउ ये मैंने बॉइल करके रखा था तो आप देख सकते हैं हल्का सा स्टफनेस आ जाता है, घुटनी सी आ जाती है। तो एक मैं व्यूअर्स को एक टिप देना चाहती हूँ। ओके, हम लोग थोड़ा सा पानी है ना, उसको थोड़ा सा बॉइल करके रखेंगे, वार्म वाटर डालें, हाँ, तो एक स्मूथनेस आ जाती है इसमें। ओके, गुड, ये so अच्छी टिप है। हाँ, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल टिप। जनरली बनाना हाँ गाढ़ा हो जाता है, पड़ा पड़ा। देन उसमें हम लोग ग्रीन पीस डालेंगे। ओके, फ्रेंच बीन्स ग्रीन पीस डालने का पॉइंट यही है कि जितना हेल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ओके, तो ये अपना एकदम हेल्दी डिश बनेगी। हेल्दी डिश। कोरिएंडर आपके हिसाब से जितना डालना चाहते हो डाल सकते हो। ओके, नाउ हम लोग इसमें मसाला हर्ब डालेंगे सर, ग्रीन चिली पाउडर, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी चाहिए, रेड चिली पाउडर। ओके, रेड चिली पाउडर डालने का पॉइंट यही है कि थोड़ा सा रेडनेस पकड़ेगा। हल्दी, सॉल्ट एज पर नीड, गरम मसाला, शुगर का पॉइंट यही है कि थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा खट्टा, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा है इसमें, खट्टा, तीखा, मीठा सब। लेमन नाइस फ्लेवर देता है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है टी। इसको हम पूरा उसको अभी स्टफिंग कर देते हैं। ओके, और स्टफ करके इसको हम लोग को इसके बॉल्स बनाने हैं। ओके, इसमें आप चाहो जितने वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। स्पेशली स्वीट कॉर्न, ज़्यादा स्वीटनेस से भी मतलब बच्चों को बहुत मज़ा आता है। एक पनीर भी ऐड कर सकते होंगे। ओके, सो नाउ हमारा स्टफिंग रेडी है, तो इसके हम लोग बॉल्स बना के, छोटे छोटे बॉल बनाने के, कोई भी साइज बना। हाँ, छोटे छोटे से बॉल। ओके, सो नाउ हमारा ये वड़ा रेडी है। सेकंड स्टेप है ये उड़द की दाल का खीरा है। उड़द की दाल को मैंने ये एक बाटी लिया है जो 3 घंटे पहले उसको भिगो के रखा था। ओके, और उसको मैंने क्रश करके खीरा बनाया है। सो नाउ हमारा मेन बेस ये रहेगा, ये हमारा जो वड़ा है उसको हम इसमें डिप करेंगे। ओके, और फिर उसको डीप फ्राई करेंगे। वड़े की साइज आप जितनी छोटी रखोगे उतना, क्योंकि बाहर का बेस
लेयर से। आपकी कुछ हेल्प कर दो उसको। ये कब तक हमको फ्राई करना है? बस लाइट ब्राउन होने तक। खुशबू तो अच्छी आ रही है इसकी। तो आप देख सकते हैं हल्का सा लाइट ब्राउन होने लगा है। इसमें मैंने थोड़े से चावल डाले थे। अच्छा। तो चावल डालने का पर्पस वही था कि क्रिस्पीनेस जो हम लोग बना रहे हैं ये, उसकी क्रिस्पीनेस ज्यादा रहेगी और ऑयल कम पकेगा। ये अच्छा आइडिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे ये ऑलमोस्ट एक रेडी है। रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आया है। ये मैंने इसको टिश्यू पे रखा है, वही अपना हाइजेनिक पर्पस, थोड़ा ऑयल थोड़ा अब्सॉर्ब करने का। डीप फ्राई किया है। स्मेल आप देखते हो तो ऑलमोस्ट मेंदू वड़ा जैसी ही है। और जब आप खाने जाओगे तो यू कैन सी द इनोवेशन इनसाइड। लग भी रहा है इंटरेस्टिंग। सो ये ऑलमोस्ट डन है। नाउ इसको हम लोग 2 पीस कर देंगे इसका। इसको गरम गरम ही करना है कि ठंडा होने देने का? गरम में ज्यादा अच्छे से पीस बनेंगे। ओके। खाने में भी गरम में मजा आता है। हाँ, और ये जितना गरम खाओगे उतना और मजा आएगा। नाउ हमारा ये मेन हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे मेंदू वड़ा चाट ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो अब आप अभी उसको प्लेटर कैसे करेंगे? या अभी मेन अपना है मेकिंग इसका। ओके। सो नाउ ये हम बड़े ऐसे सर्व करेंगे। जैसे ज्यादातर आपने देखा है जो सेव पूरी में वगैरह करते हैं, सिमिलर टू सेम। यस। ये जो मैंने चटनी बनाई है ये कोथमीर की चटनी नहीं है, ये कैप्सिकम, फुदीना, कोथमीर और बाकी के जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उससे बनाई है। अच्छा। तो इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट देगा। अच्छा, एक फ्लेवर भी आ जाएगा फुदीना का। ओके। जितना ठीक रखेंगे वो ऑटोमेटिकली अच्छे से स्टिक होगा, तो वो खाने में उसका फ्लेवर आएगा। और ये चटनी किस चीज की है? या ये मीठा चटनी है। ओके। ये मीठा चटनी भी अगेन इसमें भी कई तरीके हैं, जैसे कोई खजूर से बनाता है। हाँ। तो मैंने ये गुड़ और इमली से बनाई है जो स्पेशली हाइजीनिक है बच्चों के लिए भी। हाँ। सो ये हेल्थ को इफेक्ट नहीं करता है। करता है, सही बात है। और इसमें मैंने फिर अंदर जीरा पाउडर, सुनचन, नमक। आपने देखा इसकी थिकनेस, वो थिकनेस किस चीज से आती हुई? गुड़ की जो हम चाशनी बनाते जो उबालते हैं उसके वो थिकनेस पकड़ता है। पानी का यूज कम नहीं रहा। या ये हमने तीखा में क्या चटनी लगाया है, ये चाट मसाला जो ऑलवेज टेस्ट को डेवलप करता है। या थोड़ा सा कोरिएंडर अंदर डाल देते हैं, बारीक सेव। सेव में भी हम ज्यादा इनोवेशन करना चाहे तो आप भुजिया सेव का यूज कर सकते हो जिसको ज्यादा स्पाइसी टेस्ट पसंद है। पोमोग्रेनेट सब में लाइक खट्टा मीठा आपने कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लिया ही है। एग्जैक्टली। नाउ ये हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। ओके। इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर दे तो अपनी प्लेट ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगी। और काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा खूबसूरत लग रहा है। इसको हम सर्व करेंगे कैप्सिकम और फुदीना की चटनी के साथ। तो देखा आपने, हमारे आज की शेफ ने एक साउथ इंडियन डिश को भी कैसे कन्वर्ट कर दिया एक चटपटे चाट में। आपको भी ट्राई तो जरूर करना होगा ना, लेकिन उसके लिए आपको नोट करने होंगे इसके इंग्रेडिएंट्स और देखना होगा इसका एक क्विक रिकैप।